कचरा साफ करता हूँ और रोज इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है। बताइए ने ओख, रास्ते में कचरा फेंकना कब बंद करेंगे? हद हो गई है। अबे रात भर घर नहीं गया क्या? सुबह लोग कुचल कर जाएंगे तब उठेगा, कुछ सुनाई दे रहा कि नहीं? लगता है टुन होके सोया हुआ है। ओ भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ सुनाई दे रहा कि नहीं? कुछ गड़बड़ लगती है। ए, ओ भाई खून, इतना इतना ढेर सारा खून, लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। हाँ सर जी। सर लगता है इसकी मौत रात में ही हो गई थी। सर मौत रात में हुई? तुमने देखा ना लाश को पहले? जी साहब। अच्छा जब तुम यहाँ पर आए तब क्या देखा तुमने? रोज सफाई करने के लिए आता हूँ साहब, सफाई करते वक्त इस लाश को देखा। अच्छा ये बताओ जब तुम यहाँ पर आए तब तुमने किसी को यहाँ आसपास देखा, किसी आदमी को यहाँ से भागते हुए या जाते हुए? नहीं साहब, किसी को भी नहीं देखा। अच्छी तरह से याद है तुम? हाँ साहब बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। ठीक है जाओ तुम। जी साहब। सर ये देखिए, किसी ने इसके यहाँ पे पेट में और छाती पे कई बार चाकू से वार किया। मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है सर यहाँ पे? और ये इसकी बॉडी से दारू की बू आ रही है। तो मरने के बाद भी दारू की बू आ रही है, मतलब इसने बहुत दारू पी रखी होगी। सर वॉलेट के पैसे वैसे के वैसे, इसका मतलब है चोरी का मामला नहीं है। हाँ अच्छा वॉलेट में कोई आइडेंटिफिकेशन के पेपर्स हैं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस या आई कार्ड वगैरह? नहीं सर। सर ये देखिए इसका आईडी कार्ड। रंजन कॉल्टेक। सर ये इसका ऑफिस मलाड में है सर। चाकू के घाव के अलावा और भी किसी चीज के घाव है क्या इसके शरीर पर? नहीं सर, मैंने इसकी बॉडी अच्छी तरह से चेक कर ली है सर, चाकू के घाव के अलावा और कोई भी घाव नहीं है सर। सीसीटीवी कैमरा। सचिन सर ये देखो सीसीटीवी कैमरा। टेररिस्ट अटैक के बाद सरकार ने ऐसे कैमरे सब जगह पर लगाए। पर सर ये कैमरा तो बहुत दूर है सर। काजल कैमरा दूर लगा हुआ तो क्या है,
कुछ ना कुछ तो जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। देखो देखो यहाँ कितना साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन आया होगा, कौन गया होगा, क्या हुआ था यहाँ पर, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। एक काम करो, ये सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह से चेक करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हेलो जी। देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। ओह हेलो सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अंधेरी सबवे में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी रिकॉर्डिंग यहीं पर होती है ना? जी होती तो है। बस वो रिकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं। उस सबवे में एक खून हुआ है। हुँ? या खून आपने तो देखा ही होगा रिकॉर्डिंग में। सर वो एक्चुअली टेररिस्ट अटैक के बाद हम लगातार मॉनिटर करते हैं, लेकिन आप रोज रोज खास चेकिंग नहीं होती सर। व्हाट नॉनसेंस, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मॉनिटर करते नहीं हो रोज? सुना तुमने? सर मेरी बात समझिए कि ठीक है ठीक है, ये रिकॉर्डिंग तो होती है ना रोज? जी दिखाइए हमें। अभी दिखा। सर अंधेरी सबवे के कैमरास की सारी फुटेज इधर रिकॉर्ड होती है। आपको कितने बजे की देखनी है? रात के 10 बजे के बाद की। ये लीजिए। ओके थैंक यू। बस अब थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाइए प्लीज। ओके सचिन इधर ऑपरेट करो। चल दोस्त लग रहे हैं। माय गॉड ये तो मारते ही जा रहा है। हाँ सब रात के 1 बजे हुआ है, कहां से आ रहे होंगे ये दोनों भी रात के 1 बजे? असल ये खूनी का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सचिन पॉज करके फिर से रिवाइंड करो। सर एक मिनट सचिन पॉज करो। अभिजीत पीछे देखो। सर गवाह गवाह है। हाँ किसी ने ये खून होते हुए देखा है तो वहां से भागा है। सचिन जरा जूम करो उस आदमी को। यस सर। है तो कोई आदमी लेकिन चेहरा कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। सर कोई बात नहीं, चेहरा नहीं दिखा तो क्या हुआ, कपड़े तो दिख रहे हैं, पीला शर्ट और काली पैंट। ये भागा है तो बाई तरफ भागा है सब के। तो शायद खून हुआ देखकर डर कर भाग गया है। हो सकता है। अभिजीत एक काम करो, तुम रंजन के ऑफिस जाओ, पता लगाओ और हम लोग रंजन के घर जाते हैं। अरे हाँ हाँ आती हूँ। आप लोग कौन? ये रंजन का ही घर है ना? हाँ ये रंजन का ही घर है, वो मेरा बेटा है। सर लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे सीआईडी से लेकिन आप लोगों का यहाँ पे क्या काम? हमें रंजन के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। रंजन के बारे में? वो ठीक तो है ना सर, वो कल रात से घर पे नहीं आया, वो आपको कहीं मिला है क्या? रंजन और आपके अलावा इस घर में और भी कोई रहता है? नहीं सर, रंजन जब 4 साल का था तब मेरे पति की मौत हो गई, वो मेरा इकलौता बेटा है। सर लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए कुछ हुआ है क्या? रंजन हमें कल रात मिला। कल रात को आपको मिला? फिर वो है कहाँ? मतलब आप उसको साथ में नहीं लाए? सर उसने कुछ किया है क्या?
जी नहीं, मगर देखिए रंजन की मौत हुई है। नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं हो सकता। प्लीज संभालिए अपने आप को। जिसने भी उसका खून किया है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उसे कोई क्यों मारेगा सर? एक बात बताइए, क्या रंजन की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, या हाल ही में उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता था। उसके दोस्तों के बारे में तो आप जानती होंगी, उसके सबसे अच्छे दोस्त कौन थे? सर जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, वो अपने दोस्तों को कभी घर भी नहीं लाता था सर। देखिए उसका ऐसा कोई दोस्त जिसके साथ वो अक्सर शराब पीने जाता हो? शराब? जी, ऐसे किसी को जानती हैं? नहीं। हमारा कहने का ये मतलब है कि उसके कोई ऐसे दोस्त हैं जो उसके साथ बैठ के शराब पीते थे रात? नहीं, रंजन शराब नहीं पीता था। रंजन शराब नहीं पीता था? नहीं सर, लेकिन कुछ दिनों से वो रोज शराब पी के घर आता था। पता नहीं सर वो ये क्यों कर रहा था, या कोई उसे क्यों करवा रहा था, लेकिन वो रोज शराब पी के घर आता था सर। सचिन, फ्रेडी, काजल, सबवे के पास जाओ और वहां पूछताछ करो अच्छी तरह से, लोगों से, दुकानदारों से, ऑटो वालों से। देखो क्या किसी ने उस पीले शर्ट वाले आदमी को देखा है क्या? एक्सक्यूज मी। देखिए हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सर आप लोग यहाँ? जरा ये फोटो देखिए, ये आदमी आपके यहाँ काम करता था? सर ये तो रंजन है, पर इसका आईडी कार्ड आपके पास? सर वो ठीक तो है ना? जी नहीं, इसकी मौत हो चुकी है, किसी ने खून कर दिया इसका। खून? पर सर इसका खून कोई क्यों करेगा भला? रंजन ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? यही पता लगाने आए हम लोग, हमें इसकी लाश सबवे में मिली है और मरने से पहले इसने काफी शराब पी रखी थी। सर लेकिन ये हो ही नहीं सकता सर, सर रंजन तो शराब पीता ही नहीं था। क्या? हाँ सर, हम कितनी बार ऑफिस की पार्टीज में साथ गए मगर मैंने रंजन को शराब पीते हुए कभी नहीं देखा। अच्छा अच्छा, कल रात वो यहाँ ऑफिस से कितने बजे गया था? सर यही कोई 10:30 बजे तक, क्योंकि उसकी शिफ्ट उसी वक्त तक रहती है। 10:30 बजे, मतलब जो कुछ भी हुआ है 10:30 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ। 1 बजे उसकी मौत हुई थी? सीसीटीवी फुटेज में भी था, उसके साथ एक उसका दोस्त भी था रात को। हाँ, यहाँ पे कोई पतला लंबा आदमी काम करता है जो शायद रंजन का दोस्त होगा। नहीं सर, सर यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं सर, और सर रंजन बहुत कम बात करता था, इस ऑफिस में उसके सिर्फ दो ही अच्छे दोस्त थे। दो लोग? कौन? नेहा मैडम, इस कंपनी की मालकिन और हमारी बॉस, और उनका असिस्टेंट करण। नेहा मैडम और उनका असिस्टेंट करण? जी सर, हर ब्रेक में रंजन उन्हीं लोगों से मिलते थे, और इनफैक्ट ऑफिस के बाद तीनों साथ में घर जाया करते थे। अभी कहाँ हैं ये दोनों? सर शायद वो लोग इस वक्त कैफेटेरिया में होंगे, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। बुलाइए। जी ये ऑटो रात में आप यहीं लगाते? क्यों, क्या हुआ? मैं सीआईडी से, तुमने रात को करीबन 1 बजे के आसपास किसी आदमी को पीली शर्ट और काली पैंट में सबवे की तरफ भागते हुए देखा क्या? हाँ हाँ सर, एक आदमी आया तो था, बहुत जल्दी में था सर वो। किस तरफ गया वो? गया नहीं सर, आया और मेरी गाड़ी में आके बैठ गया और मुझको बोला ऑटो भगाओ। अब कुछ बात बात कर रहा था किसी से फोन पे? नहीं नहीं सर, किसी से बात नहीं की और ना ही किसी से फोन किया, बस मुझसे कह रहा था तेज चलाओ जल्दी चलाओ, काफी डरा हुआ था। जैसे ही बिल्डिंग के पास पहुंचे सर, उतरा और पैसे दिए
और भाग गया। आप बिल्डिंग दिखा सकते हो हमें? यहाँ से राइट जाएंगे ना, बाई तरफ जो दूसरी बिल्डिंग है ना, वहाँ छोड़ा था सर। हाँ फ्रेडी, ये मैं क्या सुन रही हूँ सर, रंजन की मौत हो गई? जी हाँ, माफ कीजिए, हमें आप लोगों को ऐसी खबर देनी पड़ी। पर सर रंजन, रंजन को कोई कैसे मार सकता है सर? हाँ सर, वो तो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, फिर उसे मारकर किसी को क्या मिलेगा? अब ये बात तो हमें नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम होगा ना, आप लोगों की उससे अच्छी दोस्ती थी, है ना? अब किसी ने कोई धमकी वगैरह दी थी क्या उसको? वो तो ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करता था, उसका कोई दुश्मन कैसे होगा? अच्छा, उसका कोई दोस्त था, काफी लंबा, 5 feet 11 inches के करीब, पतला सा आदमी? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है सर। कल रात जब रंजन का खून हुआ तब आप दोनों कहाँ? सर मैं तो शहर में ही नहीं था सर, एक हफ्ते की छुट्टी लेकर मैं सर अपने कजिन की शादी में गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, अगर मैं नहीं गया होता तो शायद आज रंजन बच जाता सर। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर हम लोग ऑफिस से एक साथ निकलते थे, अगर मैं उसके साथ होता तो किसी को ऐसा वैसा कुछ नहीं करने देता। अच्छा, जब आप लोग साथ में ऑफिस से निकलते थे तो घर कौन से रास्ते से जाते थे? सर फ्लाईओवर के ऊपर वाला रास्ता लेकर सीधे सीधे निकल जाते थे। फ्लाईओवर के ऊपर से? तो फिर ये रंजन सबवे में क्या कर रहा था? सबवे? वो वहां क्यों गया सर? सबवे वाला रास्ता तो बहुत लंबा है, हम लोग तो वो रास्ता कभी नहीं लेते थे। मतलब कल रात रंजन का दोस्त उसे सबवे के आसपास चक्कर लगवा रहा था। दोस्त? हाँ, सबवे में क्लोज सर्किट कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरा से ये पता चलता है कि रंजन के साथ एक और आदमी था जो उसे वहां सबवे तक लेके आया और फिर वहां उसका खून कर दिया। उस आदमी का चेहरा नहीं दिखा जिसने ये खून किया है? पता चल जाए, कैमरा नहीं देख पाया तो क्या हुआ, एक आदमी ने खून होते हुए देखा। आदमी ने देखा? जी हाँ, एक आदमी ने खून होते हुए देखा है, फिलहाल तो वो घबरा के भाग गया है, लेकिन जैसे ही वो हमारे हाथ लग जाएगा खूनी भी नहीं बचेगा। खूनी रंजन को शराब पिलाकर सबवे ले गया, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाया। शराब? ये आप क्या कह रहे हैं? आपके ऑफिस के स्टाफ ने बताया था कि रंजन कभी शराब नहीं पीता, लेकिन क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, वो तो शराब से नफरत करता था। तो फिर अचानक ये रंजन शराब क्यों पीने लगा होगा? सबवे के आसपास जितने बार है चेक करते हैं, कहीं तो बैठ के उसने शराब पी होगी। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? किसे मिलना है? देखो ये कल रात को एक आदमी भागता हुआ यहाँ पे आया था, शायद इसी बिल्डिंग में रहता है, उसने काले रंग की पैंट और पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, बताओ किस फ्लैट में गया वो? अरे क्यों बताऊं, आप है कौन? हम लोग CID से, अब चुपचाप बता कौन से फ्लैट में गया वो। CID? कौन से फ्लैट में गया है वो? रात के 1:30 बजे के करीब आया था यहाँ पर। विक्रम जी आए थे और काफी घबराए हुए थे सर। विक्रम, ये बताओ कि कौन से फ्लैट नंबर पे गया? फ्लैट नंबर 506, 5वां माला साहब। 506? चलो चल के विक्रम से। नहीं सर, इस तरफ की किसी भी बार में इसको कोई नहीं पहचाना। यहाँ पे भी उस आदमी को किसी ने नहीं देखा। कमाल, उसने यहाँ पे शराब नहीं पी तो फिर ये लोग पीते कहाँ थे? फ्लैट नंबर 506, ये रहा विक्रम का फ्लैट। जी आप कौन? तुम्हारा नाम विक्रम है ना? हाँ सर, लेकिन आप लोग यहाँ मेरे घर में? हम लोग CID से। CID? देखिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन सर आप लोग मेरे घर में, बात क्या है? क्यों,
तुम नहीं जानते कि हम लोग यहाँ क्यों आए? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। देखो डरो मत, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद सर? देखो विक्रम, हम जानते हैं कि तुमने सब कुछ देखा है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा, आखिर बात क्या है? देखो विक्रम, कल रात को जो सबवे में खून हुआ है उसके गवाह हो तुम। ये खून होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा है। खून? ये आप क्या कह रहे हैं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। कल मैं सबवे की तरफ गया ही नहीं था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, समझे? देखो विक्रम, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कल रात वहीं पे थे और तुमने अपनी आंखों से खून होते हुए भी देखा है। जानते हो, एक बेगुनाह का खून हुआ है और कल वो आदमी किसी और बेगुनाह का खून करेगा। तुम खूनी को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकते हो। और देखो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, यकीन करो। सर, मैं कितनी बार आप लोगों से कहूं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है। देखो विक्रम, हम लोग ये कौन आ गया? एक मिनट सर, ये झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ। गोली चलाने वाला भाग गया, कोई नहीं है। पता तुमने क्या हुआ? चल चले। लगता निकल गया। बिल्डिंग में तो सिर्फ एक ही लिफ्ट है, हम लोग उसी लिफ्ट से नीचे आए। हो सकता है सीढ़ियों के रास्ते निकला, उस गेट से भागा होगा। चलो पूछते हैं। वॉचमैन इधर आओ। सर, तुमने अभी अभी किसी आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा क्या? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं आया। हुआ क्या सर? वो विक्रम को गोली मार के भागा यहाँ से। गोली? हाँ, निकलने का एक ही रास्ता है ना ये? जी जी सर, गेट तो एक ही है, मगर यहाँ से कोई नहीं आया सर अभी तक। हो सकता है वो कंपाउंड लांग के भागा। हो सकता है सर, वरना वॉचमैन उसे जरूर देखता। हमारे वहाँ होते हुए भी हमारी आंखों के सामने वो उसे मार के निकल गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और हमने उसे देखा तक नहीं। एक मिनट सर, विक्रम ने उसे देखा होगा। हाँ काशी, हमें किसी भी हाल में विक्रम को बचाना होगा। और काजल, ये एम्बुलेंस कितनी देर में आने वाली? सर, किसी भी वक्त पहुंचती होगी। काजल, तुम एक काम करो, विक्रम के घर और उसकी बिल्डिंग की तलाशी लो और आसपास के लोगों से पूछो, शायद किसी ने उस खूनी को भागते हुए देखा। तब तक हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चलिए। डॉक्टर, इसे गोली लगी है, जल्दी कुछ करो। काफी खून निकल गया, अभी हुआ ये? अभी आधे पौने घंटे पहले, सीधा यही लेके आया। गोली दिल के पास लगी है, लेकिन दिल पे नहीं लगी, पता नहीं क्या क्या डैमेज हुआ होगा। मुझे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले चलो। चलिए, आप लोग यहीं रुके। किसी भी हालत में ये विक्रम बचना चाहिए। नाक कट गई हमारी, हमारी आंखों के सामने किसी ने गोली मार दी इसे। हाँ फ्रेडी, केस खून का है और ये हमारा विटनेस है, इसने खूनी को देखा है, इसको किसी हाल में बचना चाहिए। विक्रम की तबीयत अब कैसी है? ऑपरेशन के लिए लेकर गए उसे? तो क्या कहा डॉक्टर, बचेगा क्या? नहीं सर, विक्रम की हालत बहुत नाजुक है सर। जैसे ही डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगे मैं आपको फोन करूंगा सर। ये बताओ तुम लोग कहाँ थे उस वक्त? कहाँ थे तुम? हम लोग घर में थे सर। तो क्या सो रहे थे उसके घर में? हुआ कैसे ये सब? सर, इससे पहले कि हम लोग कुछ कर पाते वो चला गया दरवाजा खोलने के लिए और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे किसी ने गोली मार दी सर। शायद गोली चलाने वाले को पता नहीं होगा कि हम लोग अंदर हैं। अरे मालूम कैसे नहीं था उसे?
मालूम था खूनी को कि तुम लोग अंदर थे, फिर भी उसने हिम्मत की। सीआईडी ऑफिसर होने के बावजूद भी उसने हिम्मत की और गोली चला दी। समझ में नहीं आ रहा सर। यस सर, यस सर। यस सर बंद करो फ्रेडी, और चौकन्ना हो जाओ, अपने आंख और कान खुले रखो। एक बात ध्यान में रखना, वो हॉस्पिटल में आकर भी हमला करेगा, और इस बार दूसरी गलती को माफी नहीं, समझे? याद रखना। ओके सर। काजल, तुम्हारे लिए भी था, समझी? हुआ कैसे ये सब, जब तुम्हारे साथ और दो दो ऑफिसर्स थे? सॉरी सर, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि तुम लोग देखते रहे। हाँ? सब कुछ अचानक हुआ और तुम लोग देखते रहे, इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग दी गई थी, है ना? क्या फायदा हुआ ट्रेनिंग का? सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से ऐसा नहीं होगा। एक ही चश्मदीद गवाह, और वो भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। सर, मुझे लगता है कि विक्रम बच जाएगा। सर, अरे कैसे बचेगा अभिषेक, जब ऐसे ऑफिसर्स है तो? सर, हॉस्पिटल में है, एक 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 बार उसे होश आ गया तो हम लोग पूछताछ शुरू कर सकते हैं। होश में आएगा तब की बात है ना? सर, आना तो चाहिए। दाशा, अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इस केस के बारे में? सर, अब तक तो यही पता चला है कि रंजन ने मरने से पहले शराब पी थी, और वो शराब उसने सब्वे के आसपास के किसी भी बार में से नहीं पी थी। यही तो सर, दारू पी थी लेकिन आसपास के किसी बार में से नहीं पी, तो कहां से पी? अभिजीत, रंजन ऑफिस से निकला रात के 10 बजे। हाँ सर, और जो कुछ भी हुआ है रात 10 बजे से 1 बजे के बीच में ही हुआ है सर। इसी बीच उन लोगों ने कहीं पे शराब पी, मगर कहां पे? अभिजीत, जरूर किसी सुनसान सड़क पे बैठा होगा, शराब पी होगी, या फिर खूनी के साथ गया होगा उसके घर। ऐसा हो सकता है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने भी गाड़ी में ही बैठ के शराब पी हो? पैसे लगता है सर। आजकल बहुत से लोग सुनसान जगह पे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में बैठकर शराब पीते हैं, समझते नहीं है कि ये कानूनी जुर्म है। हाँ, पर अगर वो लोग गाड़ी में बैठ के पी रहे थे तो वो लोग सबवे में चल के क्यों गए? एग्जैक्टली, वो सबवे में चल के क्यों गए, इसका एक ही मतलब है अभिजीत, ये लोग सबवे के आसपास ही कहीं बैठे होंगे शराब पीने के, क्योंकि सबवे और रंजन के ऑफिस के बीच की दूरी आधे घंटे की, और वो जगह भी उसी बीच में होगी जहां पर ये लोग शराब पीने के लिए बैठे होंगे। तो हमें सबवे के आसपास कोई ऐसी सुनसान जगह ढूंढनी चाहिए जहां पे लोग रात में डेरा जमाते हैं। डॉक्टर साहब, विक्रम ठीक तो है ना? बच गया ना वो? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, खून बहुत निकल चुका है। डॉक्टर साहब, हम उससे मिल तो सकते हैं ना? अभी नहीं, आईसीयू में ले जा रहे हैं, वहीं पे आप मिलेगा, 3-4 घंटे में होश आएगा, अगर होश आ गया तो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर, 3-4 घंटे के बाद हम उससे बात तो कर सकते हैं ना? आपको बात करने की पड़ी, पहले उसे होश में तो आ जाने दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब, इसका होश में आना बहुत जरूरी है, सिर्फ यही एक गवाह है जो हमें खूनी तक पहुंचा सकता है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। प्लीज फ्रेडी, अब सर को फोन करता हूँ। लगता है आज हमें खोल के पी जाएंगे सर, पहले जब फोन आया था तो फोन में से धुआं निकल रहा था। फ्रेडी, फोन तो करो तुम, हमें यहाँ पे नजर रखनी होगी। एक बार खूनी विटनेस पे हमला कर चुका है, वो इस पे दोबारा भी हमला कर सकता है। डॉक्टर टेढ़ा हो गया सर, ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा है। हाँ सर, हाँ सर, अब उसकी हालत बहुत खराब है सर। सॉरी सर, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, ओके सर, ओके। क्या बे? क्या बोला सर? बोला, उधेड़ दिया फिर से। तुम ही फोन कर लेते तो अच्छा था, थोड़ा बहुत प्रसाद तुम्हें भी मिल जाता। तुम्हें क्या लगता है, मैं डरता हूँ क्या? मैं तभी फोन कर सकता हूँ। जानता हूँ, जानता हूँ, जब सर का फोन आता है तो क्या होता है मुझे। सर का फोन, बात करोगे? तुम बात करो, मैं बिजी हूँ। अरे अरे, हेलो सर। हाँ सर, सॉरी सर, ओके सर, यस सर, ओके।
अभिजीत सर आ रहे हैं स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट को लेके। विक्रम को होश आएगा तो वो स्केच बनवाएंगे। लेकिन फ्रेडी, विक्रम को होश आएगा तब बनवाएंगे ना स्केच। अरे सर आप आ गए। क्यों नहीं आना चाहिए था? अब कुछ बोला ये? नहीं सर, डॉक्टर ने अभी तक अंदर जाने की इजाजत नहीं दी है। आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप जरा यहीं रहिए, हम आपको बुलाएंगे। कैसे हो विक्रम? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हैं? तुमने खूनी को देखा है ना? देखो मैं जानता हूं कि तुम डरे हुए हो उस आदमी से, लेकिन यहां वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हैं? यहां पे पूरी सिक्योरिटी है। जब तुमने दरवाजा खोला था तो उसने तुम पर हमला किया था, तो तुमने उसका चेहरा देखा तो होगा ना? है? तुम उसका स्केच बनवा सकते हो? कोई बात नहीं, जितना देखा है, जितना याद है, तुम उतना चेहरा बनवा सकते हो। फ्रेडी, इसके चार्टिस को बुलवाओ। जी सर। सुनिए, आइए, चलिए। तो देखिए वो जो बताते हैं स्केच बनाई। अच्छा ठीक है सर। विक्रम इन्हें बताओ। अब आराम से सोचकर बताइए, उस व्यक्ति का चेहरा कैसा था, उसकी आंखें? हाँ सर, जी सर, अभी अभी विक्रम को होश आया। हाँ स्केच आर्टिस्ट है। जी जी बन गया। हाँ सर, इतना ही सर, जितना इन्होंने बताया उतना स्केच तैयार है सर। केज बन गया सर। एक मिनट, मैं आपको बाद में करता हूं। आधा चेहरा? वही तो मैं सोच रहा हूं सर, सिर्फ आधा चेहरा बनाया है, खूनी को कैसे पकड़ेंगे? ये आधा चेहरा तो जैसा इन्होंने बताया था आपने बना दिया है, बाकी का आधा चेहरा आप इस चेहरे के हिसाब से बना सकते हो क्या? हाँ सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे खूनी की तरफ हमारा एक और कदम बढ़ जाएगा। बड़े काम का आदमी है ये, पहले भी बहुत मदद की है इसने हमारी। देखो अब आधी शक्ल को पूरा कर देगा ये। सर हॉस्पिटल में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ लेके आ गए इसे। अच्छा किया।
बन गया सर। देखिए सर, तो ये है खूनी। थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है सर, क्योंकि मैंने अंदाजे से बनाया है, पर हाँ लगभग लगभग ऐसा ही दिखता होगा। कोई बात नहीं, हम लोग इसी से काम चला लेंगे, इसी से पकड़ेंगे इस आदमी को। विवेक, इसे लोड करो अपने कंप्यूटर पर और देखो हमारे रिकॉर्ड्स में है क्या। जल्दी। विवेक, क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? दिमाग में एक और केस चल रहा है। एसीपी सर यहीं पर है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर एक शो आता है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। उसमें एक लड़की है ताशी, जब से वो 21 साल की हुई है ना, उसकी जिंदगी में बहुत सारे अजीब से बदलाव आने लगे हैं, और अर्जुन नाम के लड़के से वो प्यार करने लगी है। विवेक, प्यार हर इंसान के जिंदगी में बदलाव ले आता है, मेरी भी जिंदगी में लाया। ये वैसा नहीं है, अब ये देखना है कि क्या ये प्यार उसकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आएगा, या वो किसी गहरी साजिश का शिकार बन जाएगी। साजिश? कैसे साजिश? हाँ, वही भी मैं सोच रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर अब क्या होगा? उसके लिए देखना पड़ेगा, सोमवार से गुरुवार रात के 10:30 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। हम जरूर देखेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। क्या हुआ विवेक, कुछ पता चला कि नहीं? नहीं सर, ये आदमी हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है सर। ये कोई नया क्रिमिनल है। अभिजीत, अगर रंजन पिया हुआ था और ये रंजन के साथ था, तो हो सकता ये भी शराब पीता हो। काम करो, सबवे के आसपास जितने भी बार हैं, वहां जाकर के ये स्केच दिखा, जरूर इसे तो कोई पहचान लेगा। अदे, खूनी का स्केच बन गया है, हम लोग बियर बार्स में ढूंढने जा रहे हैं इसे, तुम अपना काम निपटा के वहीं आ जाओ। सारे बार्स ने पता कर लिया, पर किसी ने भी इस खूनी को नहीं बैठ देखा। अजीब सी बात, इतनी रात को अगर ये लोग शराब बार में नहीं पीते थे तो कहाँ पीते होंगे। मुझे लगता है एसीपी साहब ठीक ही कह रहे थे, जरूर ये रंजन और ये खूनी किसी सुनसान जगह पे बैठ के पीते होंगे। आदेश यही हो सकता है, किसी सड़क का कोना वना पकड़ लिया होगा, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, कोई पूछने वाला है ही नहीं, क्या कर रहे हो यहाँ पे भाई? हाँ बस, अच्छी तरह से पिला दिया इस रंजन को, जैसे वो पी के टून हो गया, मौका देख के उसे खून कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो रंजन था वो शराब पीने वाला आदमी था ही नहीं, उसने कुछ दिन पहले ही से पीना शुरू किया था। मतलब खूनी ने पहले रंजन से दोस्ती की, फिर धीरे धीरे उसे शराब पिलाना शुरू कर दिया और फिर उसे मार दिया। मतलब से उसने रंजन से सिर्फ इसलिए दोस्ती की ताकि वो उसका खून कर सके, और क्या हो सकता? नहीं तो सड़क पे छुप छुप के पीने की क्या जरूरत थी? देखा ना, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने इन दोनों को शराब पीते हुए देखा हो। एक बात है अभिषेक, अगर ये दोनों शराब पीते हैं तो साथ में कुछ चाकना भी खाते होंगे, जैसे दाल चना या भुर्जी वगैरह। हाँ, तो ये चाकना वो लोग कहीं ना कहीं से तो लाते ही होंगे ना। या तो काम करते हैं, यहाँ पे आसपास जितने भी छोटे मोटे टपरी है और ये हाथ गाड़ी वाले, उनसे पूछताछ करते हैं, खूनी ने किसी ना किसी ने से ये चाकना खरीदा ही होगा। सही कह रहे हो। उस तरफ पूछा, कोई भी इसे नहीं जानता सर। सर वहां पर मेरे साथ से पूछ लिया, किसी को कुछ पता नहीं, इधर भी कोई नहीं जानता है। तो हो सकता है दया साहब, काशा और विवेक को कुछ पता? नहीं, दया से बात हुई मेरी, अभी तक तो उनको पता नहीं चला है। दया आज गाड़ी वालों से पूछ रहा है, तो वहां जो दुकान है वहां पता करके देखते हैं। सर सुनिए। हाँ जी बोलिए। हम लोग CID से, जो पूछे उसका जवाब दो। इस आदमी को देखा आपने पहले कभी? हाँ, ये तो परसों आया था। मतलब ये अक्सर यहाँ आता जाता है? हाँ आता है,
चकना पैक कराता है और चला जाता है। कितने कितने बजे आया था ये? 11:30 या 12 बजे आया था। एक काम करिए, अगर वो आता है तो हमें जरा इशारा कर देना, हम लोग वहां सामने छुपे हुए हैं। मेरा चकना तैयार है? हाँ जी तैयार है, ये लीजिए। ये कहाँ जा रहा है? चल देखें। कहाँ रह गया था बिजू? चकना लेने गया था भाई कि ताजमहल खरीदने गया था? अबे फालतू की बात मत करो, मेरा ड्रिंक किधर है? मेरा ड्रिंक दो। मैं बनाता हूँ तेरी ड्रिंक। सीआईडी? हाँ सीआईडी। अभी तो यही था सचिन। अरे ये तो मर गया। मर गया सर? इतनी जल्दी से मार के कोई भाग कैसे सकता है? तो रंजन का खूनी हमारे हाथों लगा और अपना गुनाह कबूल करने से पहले ही मर गया। इसका मतलब समझे सचिन, ये विजू कोई छोटा मोटा मोहरा है, एक बड़ी लंबी प्लानिंग है, कोई और है इसके पीछे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमारे पीछे कोई आया और इसे मार के भाग गया? हाँ, असली खूनी जिसने विक्रम को मारा है उसने हमारे ऊपर नजर रखी हुई थी। हाँ सर लगता तो ऐसा ही। सचिन आसपास चेक करो, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। ये पंप? सर ये तो अस्थमा के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। कहीं ये खूनी अस्थमा का पेशेंट तो नहीं? या, और शायद मैं उसे जानता भी हूं, और इस वक्त वो इसी पंप को ढूंढ रहा होगा। नहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे। आप लोग? हाँ हम लोग, हमें ऐसे ही घुसने की आदत है, और ये पंप हमें विजू की लाश के पास से मिला है। इसके आगे की कहानी तुम हमें बताओगे। विजू? कौन विजू? मैं किसी विजू को नहीं जानता। अरे तुम विजू को नहीं जानते? नहीं। सचिन देखो इन्हें याद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं तुम्हें? यार नहीं पता। मैं अभी पता चल जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? अचानक पता नहीं क्या हो गया इनको, अपने आप थप्पड़ मारने लगे और बड़ा दुख हो रहा है इनको। हाँ पूछिए पूछिए। लेकिन इसने किया क्या? आपके प्यारे दोस्त ने ही रंजन का खून किया है। क्या? करण ने रंजन का खून किया है? जी हाँ। क्या कह रहे हैं ये सब? करण बोल दो उनको कि ये सब झूठ है।
देखो करण, तुम डरो मत, तुमने कुछ नहीं किया है, ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बोलो इन्हें। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? लालच, लालच बहुत बुरी बला है, आदमी से कुछ भी करवा सकते। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि करण ने ये सब कुछ किया है। नेहा, मैं चुप करो, तुम बात बात करो मुझसे। अरे मैडम, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? देखो कितने पसीने छूट रहे हैं आपके। नहीं सर, वो एकदम से आपने ऐसी बात बता दी तो। नहीं, अभी तक तो हमने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की है। अभी तक तो हमने सिर्फ यही बोला है कि आपके प्यारे दोस्त ने रंजन का खून किया है। क्यों सचिन? अभी तो ये बोला ही नहीं कि ये खून इसने नेहा के कहने पे किया है। What? झूठ है ये, मैंने कुछ नहीं किया है। आपने ये खून करवाया है? क्यों, इन्होंने करवाया है ना? करण झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरे पास सब कुछ है, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूं मैं। एक मामूली से काम करने वाले आदमी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? स्नेहा, ये कंपनी आपकी नहीं है बल्कि आपके अंकल की है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और उन्होंने ये कंपनी सिर्फ आपको देखभाल के लिए दी है, सिर्फ देखभाल के लिए। और यहां बैठ के तुम अपने अंकल को धोखा दे रही हो, फ्रॉड अकाउंट्स बनवा के, गलत इन्वेस्टमेंट दिखा के, धोखाधड़ी से सारे पैसे अपने नाम कर रही हो। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, ये सच है। और आपने इस काम में अपने बॉयफ्रेंड को भी घसीट लिया। बॉयफ्रेंड? जी हाँ, बॉयफ्रेंड कम असिस्टेंट करण। और जैसे ही रंजन को तुम्हारी धोखाधड़ी के बारे में पता चला, उसने तुम लोगों को धमकी दी कि वो सारी बातें तुम्हारे अंकल को बता देगा। और तुम दोनों ने मिलके उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है, यही सच है। और इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमें सब कुछ सच सच बता दो। ये सब मेरा ही प्लान था। जब रंजन ने मुझे धमकी दी तो मैंने करण से उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए कहा, और फिर मौका मिलते हमने उसे रास्ते से हटा दी। विजू को मैंने ही पैसे दिए थे, रंजन को भी विजू से मैंने ही मिलवाया था। एक दिन विजू ने रंजन को ज्यादा शराब पिलाकर सब में ले जाकर उसका खून कर दिया। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए सर। माफी मांगने से किसी की जान वापस नहीं आती। खून की सजा जानते हो आप लोग? फांसी या फिर आजीवन कारावास। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.